बनाती हूँ रास्ता, इधर आ जा, इधर आ, अरे इधर आ जा, इधर आ, रास्ता इधर, इधर जाओ, गो, वेरी गुड, जाओ, जियो अपनी जिंदगी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? अंकल ले रहे हैं भगवान। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है मंडे, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ घर। और इसके बाद पल्लू का फ़ोन आया था कि मैं डायरेक्ट वहीं पे आ जाऊँगी मॉल में, सो आप भी आ जाओ, फिर मैं घर जाके निकलती हूँ वहाँ से। तो आज मंडी भी लग रही थी वैसे, सब्ज़ी भी नहीं थी, पर मैं सोचा कर दी अब क्या करूँ। सो मिलती हूँ अब आपसे सीधा, मैं मॉल में मिलूँगी, अब नहीं बनाऊँगी मैं क्लिप। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, राशन लेना था करते, बोरू बारू पाई लिया मैं सारे बैग, बैग्स मैंने ले लिए क्योंकि वहाँ पे 40 रुपीज़ का बंद बैग आता है, तो हमारे पास इतने बैग्स हो गए वहाँ से ला ला के कि मैंने सोचा इस बार मैं अपने ही ले जाती हूँ। समझदारी, अक्कल वाला काम कितने में इस बार। सो कैब मेरी आने वाली है, चलिए चलते हैं। चट झटपट। सो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मॉल में और एक प्रॉब्लम हो गया है कि पल्लू आएगी अभी, नीचे चले जाती हूँ 6:30 बजे, अभी 6:30 हो रहे हैं तो वो जस्ट अभी निकले हैं ऑफिस से, तो अभी उसको यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। और क्या करें अभी, जब तक मैं सोचूँ मैं तब तक सामान देख लेती हूँ। तो सफ़र शुरू हो गया हम सफ़र, मैंने सोचा सफ़र शुरू कर ही लिया जाए, तो हमने बिल्कुल शुरू से पकड़ लिया कोना, और जो जो चीज़ नहीं है वो सारी हम भरते चलेंगे। सो चलिए करते हैं शुरू। 300 रुपये के और ये पता है क्या है, कद्दू रिव्यू खड़ा है कि तो बैटर मोबाइल कद्दू कद्दू भाव अगर कई बार मुझे लगा भी जड़े चीज़ों से घर अगर वहाँ पूछते भी नहीं है ना, सो शहर में जड़ी बिक दिया 400 रुपये का ये कद्दू रिव्यू। हाल मैंने इतना ही किया इकट्ठा, अभी और बहुत कुछ है बट वो आ जाए एक बार। सारा सामान ले लिया मैंने और आई थिंक पता नहीं 7:15 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई है वो, पता नहीं कहाँ है। चपला रहा पाया ना घसा, तो 4 पलाटे मारने सब्जियां जो है शर्म कित कैरी 7:30 हो ये देखी मिर्ची, देखी मिर्ची बच्चे ये देख तो चार वो जो ढंग बोला मुझे तो पता है बोलो कासिया 70 रुपये किलो लगे चार वो एक ही ले ले बड़ी ये कुछ भाई देना होगा यार पूरा जिंदगी नारियल पीने गल क्या हुई है ये तो सामान दे क्या लेना क्या नहीं लेना खाने का समान लेंदे अरे ना कि मेक पारा आम दी थी खड़ी ना बोले हाँ लोरी बोलती देख भाई थल्ले क्या कह रहे यार लेने जोगा। तो अभी हम जो लोग हो अभी हो गया डन, करवाते हैं बिल, जाते हैं घर, भूख लग रही है बड़े जोर की। सो अभी शाम के बज रहे 8:30 और हमने झोले ले लिए बड़े बड़े और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। कैब आ रही है, कुछ खाना था हमने पर झोले फंस गए से आप पे जान नहीं जो अब क्या करना, जल्दी कर तो हमें जगह मिल गई थी, लेट लग रहा था, टाइम दिया है उन्होंने कि 9 बजे तक वापस आना है, जगह मिल गई थी सामान रखने के लिए, हम बाहर चले गए थे। मैं क्या यहाँ तो पूछ ले जाएगी तो सामान लेके आएगी सारा बाद में सारा, तो अभी सामान लेके आई सारा का सारा। तो थोड़ा टाइम मिल गया हमें भी कुछ खाने के लिए, आधे घंटे में वापस आना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। सो चलते कुछ खाते हैं, टी शर्ट के पास फोर्थ ही है मुझे लगा फूड वाला। हाँ था 1 2 3 4 स्कूल पर दी पहनी कहेगी कोई नहीं, हम मैजिक मैजिक पहले सब कुछ दिखा।
पॉपकॉर्न की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अब हमने जाना है उधर, मेरी अपना ऑर्डर बर्गर का और मेरा KFC वाला है। 2 मिनट बोला अभी, वो रेडी होगा 3 मिनट में। दर्शन करवाए जाए हमें आफ्टर सो लॉन्ग। मैं आज चिकन बर्गर खा रही हूँ ना, थोड़ा खाने देते ना, थले देने नहीं आए। सो पेट पूजा हो चुकी है डन, और अभी हम जा रहे सीधा नीचे, वहाँ से कैब करेंगे सीधा घर। रात के बज रहे हैं 9। खाना भी है खाना, फिर बोलना भी है, उन लगे रहे खाते तो उन्हें खाए लो क्या खाना। सो अभी हम लोग जा रहे अपने झोले लेने, झोले लेके निकलेंगे सीधे घर। कैब भी कर दिया साथ साथ में। झोले वाले झोला लेते आना। चक्का भाई झोला कैब गई आई, दो छोरे छोरे बैठ रहे थे, कहने बोतली थी रखी है, देख कितनी गंदी बात है, है ना। एक बात हाँ, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए खुद ही। आप जहाँ पे गंद फैला रहे हो, आपका फर्ज बनता है उस गंद को उठा के डस्टबिन में डालें, नहीं तो ऐसे लोगों को ये डस्टबिन में डाल दें। मीन जो दिखे नहीं तो जानते नहीं, तो मैं गला ही देना तेना ये कुछ चकनी तुम्हारे दादू। सो कैब आ गई है, चलते हैं घर की तरफ, बढ़ते हैं। पहुंच गए थे हम घर और अभी थोड़ा वॉक कर रहे हैं क्योंकि बर्गर थोड़ा हैवी हो जाता है ना। तो बस दीदी से बात कर रहे थे, सपना दीदी से, यही है घर में फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं शायद, डिनर वगैरह रहता 8:30 बजे। तो यहाँ पे मैंने खोल दिए सारे दुकान के सामान की दुकान। सिर्फ इतना सा सामान आया, अभी मोटा मोटा रार संतर रह गया, पर दाले दुले सिर्फ आटा और चावल रह गया, घी रह गया बस, बाकी तो ले लिया सब कुछ। प्याज हमने इमली लाई थी, खाएंगे हम इमली और देखेंगे कंगना रणावत का शो। दिखा वाला मिंजू भी बस खोलता। मैं तो गई सो, ये मेरी बहन पता नहीं क्या लगी कर दी, उन्हें आती इधर आते क्या लगी कर दी, आती इधर आते ही गंद मत संभाल, मसाले पूरे सेट करने पड़ेगा। तू तो कहते समान चक दें, मापू चकना है सारा, ये पहले डब्बे ने पाना पौना, फिर ये खाना पौना, बड़े करिंदी रण दे बनना। अभी तक खाना घुस रही थी ना, हूँ सोने टाइम तो करिंदी बनी गई अंदर, लग रही क्या करती है। कोल्ड ड्रिंक पींदी लग रही, पता क्या लग रही पिंदी गाइस। मैं गई सही ना बैग मतलब कि मुझे लगी बड़ पानी अंदर भैया, सही आवा मुझे, सही आवा, सही आवा मुझे, सही आवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ सुबह हो चुकी है, सूरज महाराज प्रकट हो चुके हैं और हमने स्नान कर लिया है। एक तो क्रीम मेरे आता देखो 10 बारी पही थल्ले पाती जो क्या जड़िए। तो गर्मी का हाल कुछ ऐसा है कि गर्मी ने बेहाल कर दिया है सारे जनों को। पल्लू चली गई ऑफिसा जो चाहिए तुसें भी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैंने थोड़ा सा रूम साफ किया। अल्ले तो हमारा भी केडियाँ निखेवियाँ ही, सारा समान हो पाया थले अले, अलमारी भी खुली छट रही क्रीम काटी कहना अलमारी भी। सो समान तो करना पड़ना आराम ने बैठे ने राती, क्योंकि ब्याह ब्याह तो इतना टाइम होता नहीं है ना। सो क्या करेंगे अभी हम, बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करेंगे। किसी ने बोला था कि अपना बैकपैक दिखाओ, बैकपैक मेरा कुछ नहीं होता, मेरे फॉर्म मेरा जो बैग है तीस 10-12 तीस 2-3 फोन होंगे कने चार्जर होंगे कने एक बस बैकपैक दिखाऊंगी मैं कुछ संडे वाले दिन करके बैकपैक वाली वीडियो। व्हाट्स इन माय बैग वो वाली वीडियो करेंगे हम जल्दी। और एक तो मुझे टाइम लगता, एक तो मैं हाले ट्राईपॉड लेना था तीतरे कट्ठे मुझे ऑर्डर करने टाइम नहीं लगा करता, फिर हम सोचे कहीं ऑर्डर करने हर केड़ा आ जाता कई बार टेढ़ा भेज रहा था। मैं सोचे करती थी भाई मां मोबाइल उत जा मोबाइल मार्केट
क्या बताता हूँ समझो, जाइए हम, क्योंकि ट्राईपोड की सख्त ज़रूरत हो रही है मेरे से। छोटे वाले तो है मेरे पास, बड्डे वाले ट्राईपोड की सख्त ज़रूरत हो गया करती। सो देखते आज जाते हैं हम, और अभी फ़िलहाल हम किचन की तरफ जाते हैं जो कि मेन ज़रूरी काम है वहाँ पे। मैं जो लगता भाई मम्मी सिरे का पैकेट था रहता कने इन्हें मकोड़ियाँ मेरे अति कराई थी तेरी कुन केवल लक्ष्मण रे खा लिया। मैं जो भी दया लगी बेचारियाँ का जो मारनी मरना तो चली आँगी भाई आई जाया करती, बड़ा बेसरमा हुई हैं जाया ही नहीं करती हूँ इतनी पता नहीं चीनी जुदन लगी। वैसे तो पैक किया सब किसी पर कोई पता नहीं होंगे ना। चलो गाइस साबूदाना मिल लेंदे, मैं खत्म हो गया था कौन के बोला सारे साबूदाने खीर बनाने दस्या दस गी मैं पहले बड़ा खलारा पेटा मेरे घर साफ सफाई करनी पाने आज एक तो रोज बगी रही होगी इतने कितने चौथा करना भी क्या है ना। चलो मैं देखती जरा क्या बना दी मैं भी रोटी लंच तो मेरे तैयार ही है सिर्फ ब्रेकफास्ट की टेंशन है मुंजू जरा अंब सड़ गए। कर लिया ना बनाने का मजा ना खाने का मजा है ना। मतलब जो मजा अपनी फैमिली के साथ आता है ना, अब फैमिली इन द सेंस अब मेरी फैमिली तो उनसे ही आई थी कल लिए कल लेते पे मुझे आप पूजा ही बनाना पैदा तो मुझे बड़ा अर्थ लगता मुझे लगता कद बनाना छाड़ परे कि खाना मकलिया आई एम सॉरी बाबू मुझे लगता फिर मैं स्वाद भी नहीं बनाती है कने जब कल ही अजू बनाना पाँगा फिर मैं फटाफट बना लूँगी क्योंकि खाना तो पैदा ही है देखा है ना। करे चाय देवी रेडी है, पोहा महाराज भी रेडी है, आज कुछ फिक्का दे लगा करता पता नहीं क्या शायद आज मैं इतने ज़्यादा मना ने बनाई नहीं रोटी करनी यहाँ पे हमारा लंच आज मैं सिर्फ दो ही डबियाँ कितनी मेरी रोटी क्योंकि काल मिंजो बोल के बोले बोले ऑफिस चल रही कि पिकनिक बनाती चल रही मेरी मिंजो बोरा बिल्कुल नहीं लग गया मुझे लग गया भाई जिन मूर्ख व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है उनको क्या बोला जाए भाई मैंने बोले अभी ने ठीक है बेचारे भाई तू काम करती चली रही कि पिकनिक मनाती चली रही। देखो जिंदगी पिकनिक की तरह है, इसको जितना अच्छे से मनाओगे उतने अच्छे से मनेगी। बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो कोई बुरी गल नहीं है जो तुझे थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे डबिया ही होगी मैं कुछ ज्यादा खा नहीं देना चाहे एडर एडर जे मेरे टमाट मार गया मारे नप चाड़े मन दे नहीं है चैन ती परमात्मा आई ना जोई मतलब जे खाए तो भले क्या लगी रे खाते जे नहीं खाते वो मेरी मां पर बड़ी कमजोर हो ही आ मारो करो तो करो क्या करो मर जाओ जहर खाई लो अच्छा जो कई जहर खाई लेंदे ते बोले ओ हो मरना दे ओड़े तो मर दे खरे ए सिका पे ये दुनियादारी किसी की नहीं है भैया तो खाओ पियो और मस्त रहो अपने आप में एंड गप से बोलो को बस वो खाना पीना कर भगना भगना ही पैना तैयार होना ले आवा तो चल रही पर किसी काम बारी नहीं आई है पी है चल रही गाना याद आई है तो मुझे हवा झूले दीते झंडे तेरे झूले दे माँ हवा झूले दीते झंडे तेरे झूले दे माँ मैं बागे बागे ढूंढ आई सूरत नजर ना आई माँ। जय माता दी। ठीक है इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आपसे हम वो चाहते हैं, आगे चाहते हैं जाने की। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये इकलौती ये जी जी जो सब कुछ से कर सकते खुश रहने वाली, तो खुश रहा जो मर्जी सिचुएशन हो, खुश रहा बस, हंसते रहा, यहाँ हंसे हंसी भूखता लोगों को लोगों जो दुविधा बिच पाए गए भी हुई रखी है, अभी इतनी खुश नहीं है, क्योंकि खुश रहते आदमी को जमाना जरता नहीं है ना, इसलिए बोले खुश रहा करो। खुश रहो, चाय बनाओ और चाय पियो, और मेरी हो गई चाय बेटी। बड़े सारे छोटे छोटे बच्चे मेरी वीडियो देखते थे, मेरे ढेर सारा प्यार, बड़े सारे फोन भी आते, जो मैसेज भी आते, भी स्कूल आए तो ब्लॉग देखते एक चाहती नरना प्यारे प्यारे बच्चे। ओके बाय गाइस।